वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डीएमएलटी एंड डीआरटी स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हिमेटोलॉजी के थर्ड लेक्चर पे, जिसके अंदर आप डिस्कस करोगे किसके ऊपर। टुडे वी डिस्कस अबाउट ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड के कंपोजिशन के अंदर आपने देखा था कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक सेलुलर कंपोनेंट। तो प्लाज्मा के अंदर फिर मोस्टली वाटर था 92% और अदर सब्सटेंस थे। अदर सब्सटेंस में अलग अलग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। उन्हीं के ऊपर आज क्या डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन सी चीजें आती हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। और सेलुलर कंपोनेंट में आपको बताइए मोस्टली तीन चीजें आती हैं, एक तो रेड ब्लड सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या प्रीवियस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लड कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीजें अपन ने डिस्कस की थी, कि ब्लड जो कंपोज हुआ था वो किन किन चीजों से मिलकर बना था, कौन से उसमें पिगमेंट थे, कंपोनेंट थे, क्या क्या उसमें लिक्विड था, वो सारी चीजें आज क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे आज का लेक्चर ब्लड प्लाज्मा। अब एक बार पिछले वाले लेक्चर को क्या है रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें आपने क्या पढ़ा था ब्लड कंपोजिशन है क्या। ब्लड कंपोजिशन में आप देखिए, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड इज मेड अप ऑफ एन एक्वस लिक्विड, यानी ब्लड क्या है किससे मिलकर बना है, एक्वस लिक्विड से मिलकर बना है। इन विच यानी उस लिक्विड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इन विच सॉलिड क्या क्या चीजें उसमें, एक तो ब्लड सेल, एक प्लेटलेट आर सस्पेंडेड, यानी ब्लड सेल्स यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या है उसमें मिक्स रहती है। और क्या है उसमें, एक तो सेलुलर कंपोनेंट हो गया और ब्लड प्लाज्मा, दो चीजों से मिलकर क्या है आपका ब्लड, ह्यूमन का ब्लड है जो कंपोज हुआ है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इट अकाउंट्स फॉर 6-10% ऑफ द बॉडीज वेट, मतलब ह्यूमन बॉडी के 6-10% वेट ये क्या है फॉर्म करता है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इनवर्टिब्रेट्स इट कंपोज ऑफ ब्लड सेल सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्लड सेल है वो किसके अंदर सस्पेंडेड यानी किस चीज के अंदर मिक्स रहती है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिक्स रहती है। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 45% सेलुलर कंपोनेंट एंड 55% ब्लड प्लाज्मा, और ह्यूमन का जो ब्लड है वो किनसे कंपोज्ड हुआ है, 45% का पोर्शन है सेलुलर कंपोनेंट का यानी उसमें सेल्स प्रेजेंट है एंड 55% उसमें किसका पोर्शन है यानी प्लाज्मा का, एक क्लियर येलोविश कलर लिक्विड। नेक्स्ट क्या है, सेलुलर कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें देखिए आप, एक तो रेड ब्लड सेल आती है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, दूसरी व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट और तीसरी प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट देखिए ब्लड कंपोजिशन चार्ट, उसमें क्या है ब्लड को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए आप 45% और 55% दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। 45% में क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट यानी अपनी बॉडी के द्वारा जो बनाए गए एलिमेंट है वो, उसमें क्या है अपनी बॉडी किसको फॉर्म करती है सेलुलर कंपोनेंट को, वो चीज है वो कितने परसेंट है 45%। सेलुलर कंपोनेंट में मोस्टली तीन सेल है, एक तो प्लेटलेट, एक आरबीसी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, जिनमें मेजर यानी सबसे बड़ा पोर्शन किसका है आरबीसी का, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है पांच ग्रुप के अंदर, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है न्यूट्रोफिल 55-62% और सबसे उसके बाद में क्या है लिम्फोसाइट, यह था फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर दूसरा आप कंपोजिशन देखोगे 55% क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें देखोगे आप सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा इसका जो मेजर कंपोनेंट है यानी प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन किसका होता है वाटर का, कितने परसेंट है 92% यानी 92% 90-92% दूसरा प्रोटीन है जो 7% है एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन, तीन प्रकार की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहती है। फिर प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आ गए तीन यानी यूरिया क्रिएटिनिन बिलिरुबिन, या फिर न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है विटामिन हार्मोन्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको बताइए कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड और लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और हार्मोन्स और विटामिन सारे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट गैसेस कौन सी प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा में, एक तो N2, एक ऑक्सीजन या O2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट एक
डायग्राम है जिसके अंदर प्लाज्मा को और ब्लड को यानी सेलुलर कंपोनेंट को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। जो ऊपर का येलोविश लिक्विड है वो क्या है? प्लाज्मा। और नीचे के जो कंपोनेंट है वो क्या है? सेलुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड कंपोजिशन डायग्राम, यानी एक ह्यूमन बॉडी को लेके उस ब्लड को डिस्क्राइब किया गया, ब्लड कंपोजिशन को। तो आप देख रहे हैं उसमें ह्यूमन बॉडी का टोटल कितने परसेंट दिखाया गया है? 8% ब्लड, ठीक है, जिसको फिर फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई किया गया, प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट में। प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55%, जिसमें मेजर पोर्शन किसका दिखाया गया? वाटर का, यानी 91%। प्रोटीन है फिर उसके बाद में 7%। प्रोटीन में तीन प्रोटीन दिखाई गई है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। किडनी के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। उसके बाद में और अदर सॉल्यूट कितने परसेंट है? 2%। आयन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट या गैसेस या रेगुलेटरी सब्सटेंस, ये था प्लाज्मा का कंपोजिशन। दूसरा 45% किसका है? फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें तीन कंपोनेंट है, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल। फिर क्या है? व्हाइट ब्लड सेल को फर्दर क्लासिफाई किया गया, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल, जिसमें मोस्टली क्या है? न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो किसके अंदर है? एक ह्यूमन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड किस तरीके से कंपोज रहता है, यानी किस तरीके से उसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, उसमें दिखाया गया है मोस्ट जो कंपोनेंट है वो किसका है? 55% प्लाज्मा के अंदर क्या डाइल्यूट है? सेलुलर कंपोनेंट। प्लेटलेट कितने परसेंट दिखाई है? 1%। रेड ब्लड सेल 45% और व्हाइट ब्लड सेल कितनी है? लेस देन 1%। नेक्स्ट है ब्लड कंपोजिशन डायग्राम, यानी ह्यूमन बॉडी वेट से जो पहले देखा था उसी के तरीके से। तो ह्यूमन बॉडी वेट क्या, जब आप एक सैंपल कलेक्ट करते हो ईटीटी वाइल्ड में, तो उसको अगर एक घंटे के लिए आप खड़ा कर देते हो तो उसका जो सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा है वो क्या है? अलग अलग हो जाता है, जिसमें 55% क्या है? प्लाज्मा, 45% क्या है? सेलुलर कंपोनेंट। फिर उसको फर्दर डिस्क्राइब किया गया था, 91% वाटर में, 2% अदर सोल्यूट्स में और 7% प्रोटीन में। प्रोटीन में तीन प्रकार की प्रोटीन थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। और सबसे कम होती है वैसे अगर देखो तो प्रोथ्रोम्बिन, जो कि लेस देन 0.1% होती है। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया था, यानी सेलुलर कंपोनेंट को, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट या एरिथ्रोसाइट में, जिसमें मेजर पोर्शन किसका दिखाया गया? एरिथ्रोसाइट का, यानी आरबीसी का। नेक्स्ट अगर आप सेलुलर कंपोनेंट को अलग करके देखोगे कि उनके क्या क्या फंक्शन है या फिर नंबर कितने हैं, यानी कितने काउंट्स हैं उनके और कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, वो डायग्राम दिखाया गया था सेलुलर कंपोनेंट का, जिसके अंदर सबसे पहले एरिथ्रोसाइट है जो कितने मिलियंस है? 5 to 6 million। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल, यानी WBC, इसके अंदर अलग अलग सेलुलर कंपोनेंट दिखाए गए हैं, उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर। नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 10,000 और काम क्या करती है? डिफेंस एंड इम्यूनिटी, यानी ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती है। डिफेंस यानी विरोध शो करती है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा अपनी ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट लास्ट में है प्लेटलेट, तीसरा सेलुलर कंपोनेंट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू दिखाई गई है 2.5 लाख से 4 लाख, ठीक है, 2.5 लाख to 4 लाख, जिसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। फिर आ गया प्लाज्मा का कंपोजिशन, जिसमें प्लाज्मा 55% है टोटल ब्लड के वॉल्यूम का, ठीक है, उसमें मोस्टली कंपोज क्या है? 91% वाटर है, 7% ब्लड प्रोटीन है और 2% क्या है? अदर सब्सटेंस है। और नीचे फिर सेलुलर कंपोनेंट, बीच में है बफी कोड जो किससे मिलकर बना है? व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट से।
आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्लाज्मा। उसके ऊपर आप उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें सोल्यूट है यानी मिक्सेबल है, कौन से उसके घटक है, किस किस चीजों में उनको फर्दर डिवाइड किया गया, वो सारी चीजें आज आप डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले देखिए ब्लड प्लाज्मा, उसकी डेफिनेशन क्या है। ब्लड प्लाज्मा इज ए येलोइश कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड प्लाज्मा है वो क्या है, पीले कलर का लिक्विड कंपोनेंट यानी घटक है, किसका, ब्लड का। दैट नॉर्मली होल्ड्स द ब्लड सेल, जो क्या करता है, दैट जो नॉर्मली यानी सामान्य होल्ड्स यानी किसी चीजों को पकड़ के रखता है, किन चीजों को पकड़ के रखता है, द ब्लड सेल्स को, इन होल ब्लड इन सस्पेंशन, पूरे ब्लड के अंदर वो ब्लड सेल्स को क्या है, अपने अंदर डिजोल्व रखता है। दिस मेक्स प्लाज्मा द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ ब्लड सेल। और ये क्या है, प्लाज्मा कहाँ से मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी सेल के बाहर बनता है। इट मेक्स अप टू अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी अपनी ह्यूमन बॉडी के टोटल कितने परसेंटेज फॉर्म करता है वो, 55% यानी 55% अपनी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसके अंदर वो कितने परसेंट फॉर्म करता है, 55%। नेक्स्ट, इट इज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, यानी क्या, इंट्रावेस्कुलर का मतलब है इंट्रा यानी किसी चीज के अंदर, और वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, यानी जो आपकी आर्टरी और वेन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती है, धमनी और शिरा, यह क्या है, एक इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है यानी ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट रहता है, पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और बनता क्या है, किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी अपनी जो वेसल्स है उनके बाहर जो ब्लड सेल्स है उनके अलावा बॉडी में फॉर्म होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ऑल बॉडी फ्लूइड आउटसाइड सेल, यानी ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड सेल्स है उनके अलावा ये अलग ऑर्गन्स में फॉर्म होता है जैसे लीवर में। नेक्स्ट, प्लाज्मा इज प्ले ए रोल लाइक ए की, दिस कैरीज द ब्लड सेल एंड अदर सब्सटेंस। प्लाज्मा क्या है, एक चाबी की मीन्स चाबी, यानी एक चाबी की तरह काम करता है, जो किन किन चीजों को अपने साथ जोड़े रखता है, एक तो ब्लड सेल्स को यानी सेलुलर कंपोनेंट को एंड अदर सब्सटेंस को, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर गैसेज हो गई, साल्ट हो गए, हार्मोन्स, विटामिन, उन सभी को क्या है, अपने अंदर डिजोल्व रखता है। तो सबसे पहले क्या है कि यह एक येलो कलर का लिक्विड है जो क्या है कि ब्लड सेल्स को अपने अंदर डिजोल्व रखता है, घोले हुए रखता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल्स के अलावा जो ब्लड सेल है उनके अलावा बाहर ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होता है। इट मेक्स अप टू 55% ऑफ, और ये क्या है, अपने ब्लड के टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट फॉर्म करता है, 55%। थर्ड लाइन में लिखाया गया है ये क्या है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है यानी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी सेल के बाहर फॉर्म होता है। प्लाज्मा इज प्ले रोल लाइक ए की, दिस कैरीज द ब्लड सेल एंड अदर सब्सटेंस, और यह एक चाबी की तरह काम करता है जो क्या है कि ब्लड सेल्स को और अदर सब्सटेंस को जोड़ने का काम करता है, अपने अंदर डिजोल्व रखता है घुले हुए। नेक्स्ट क्या है, इट इज मोस्टली कंपोज्ड फ्रॉम वाटर, इट इज मोस्टली यह किससे मिलकर बना है, मोस्टली मतलब मुख्य पार्ट क्या है, कंपोज्ड ऑफ किन से मिलकर बना है, फ्रॉम वाटर यानी पानी से, कितने परसेंटेज में, 92% यानी 90 से 92%, एंड अदर सब्सटेंस और अदर जो पार्टिकल बचते हैं वो कितने परसेंट है, 8 to 9%, 8 से 9%, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट लाइक कौन से पदार्थ हैं, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, आयन, साल्ट, गैसेज या वेस्ट प्रोडक्ट। आपने देखा हो प्रोटीन में तीन प्रकार के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। आयन के अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। साल्ट के अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। गैसेज के अंदर आप देखोगे तो N2 नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया हो गया या फिर बिलिरुबिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। नेक्स्ट टर्मिनेशन में क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.025 जीएम पर एमएल, यानी प्लाज्मा की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.025 ग्राम पर एमएल, और ब्लड की थी 1.065 तक। नेक्स्ट,
When separated from the rest of blood, the blood plasma is slightly येलो लिक्विड। और जब क्या है कि आप प्लाज्मा को आपने ब्लड से कंप्लीट ब्लड से क्या है अलग कर लिया से, यानी प्लाज्मा ब्लड को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक सेलुलर कंपोनेंट। तो वह कैसे कलर का दिखता है? येलो लिक्विड। आपने पीछे वाले ब्लड कंपोजिशन साइड के डायग्राम में देखा भी है, जिसमें ऊपर का जो पोर्शन था येलोविश लिक्विड वो क्या दिखाया गया था? ब्लड प्लाज्मा। और नीचे का जो पोर्शन था वो क्या था? सेलुलर कंपोनेंट। प्लाज्मा इज नॉर्मली येलोविश येलो ड्यू टू बिलिरुबिन, कैरेटिनॉइड, हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसफेरिन। और प्लाज्मा का जो येलो कलर है वो किसके कारण है? मोस्टली जो इसका रीजन है वो क्या है? बिलिरुबिन या फिर कैरेटिनॉइड, हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसफेरिन के कारण भी इसका कलर क्या है? येलो है। नेक्स्ट लाइन में क्या दिखाया गया कि प्लाज्मा को फिर फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई किया गया था, जो अदर सोल्यूट बचे थे 8 to 9% उनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आयन्स यानी सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे किसमें आ गए? आयन्स में। आयन्स के अलावा एक चीज और क्या आती है इनऑर्गेनिक में, यानी अकार्बनिक सब्सटेंस में? साल्ट, जिसका कौन से? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, या फिर Na यानी या KHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इनके अलावा और क्या आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में? गैसेस यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व का मतलब है यहाँ पे घुलनशील। ये सारी चीजें किसमें डिजोल्व है, किसमें घुलनशील है? पानी में। तो सबसे पहली लाइन में दिखाया गया है कि प्लाज्मा है वो मोस्टली किससे कंपोज हुआ है? पानी से। 92% उसकी मात्रा होती है किसकी? पानी की, प्लाज्मा में। फिर उसके अलावा जो पोर्शन बचा वो क्या है? अदर सब्सटेंस, जिसके अंदर 8 to 9% है प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, साल्ट, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.025 ग्राम पर ml। जब आप इसको कंप्लीट ब्लड से सेपरेट कर लोगे, अलग कर लोगे, तो इसका कलर कैसा होता है? येलो यानी पीला। नेक्स्ट, प्लाज्मा इज नॉर्मल येलो ड्यू टू, यानी प्लाज्मा का जो येलो कलर है वो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन, कैरेटिनॉइड, हीमोग्लोबिन और ट्रांसफेरिन के कारण। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा में क्या क्या चीजें आती हैं? आयन, साल्ट, गैसेस, और ये सब किसमें घुलनशील है? पानी में। नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन्स के अंदर आपने देखा ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक, जिसके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। प्रोटीन्स के अंदर कौन सी प्रोटीन है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन क्या करती है? आपकी किडनी के अंदर रीनल फंक्शन को मेंटेन करती है, यानी जो फिल्ट्रेशन की रेट है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी 1 मिनट में अपनी किडनी कितना यूरिन को फिल्टर करती है, उस रेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन, जो क्या है? ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज को फॉर्म करती है। एंटीबॉडीज को नहीं, कौन सी? IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एम, IgD या फिर IgE, इन सभी को फॉर्म करती है कौन? या IgA कौन फॉर्म करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कोई एक्स्ट्रा इंजरी होती है, यानी बाहर से कोई चोट लगती है और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है बॉडी से, उसको स्टॉप करने का काम करती है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। और क्या होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट में? प्रोटीन्स के अलावा हार्मोन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो अपनी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी सोर्स है, जिसको सबसे पहले डाइजेस्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड यानी, और लिपिड्स के अंदर क्या है? ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रोल। और इसके अलावा क्या रहता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में? वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया हो गया, बिलिरुबिन हो गया या क्रिएटिनिन हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? द अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा इंक्लूड एंटीजन एंटीबॉडी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या है कि और कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में? ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एंटीजन, जैसे RBC हो गया, RBC के ऊपर एंटीजन होते हैं ए और बी, जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। एंटीबॉडी वो सेल्स जैसे IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, वो क्या है? ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। वो अभी किसमें डिजोल्व रहती है? ब्लड प्लाज्मा में।
और इनका काम क्या है, फॉर प्रोटेक्शन, किसके किसको प्रोटेक्ट करती है वो, ह्यूमन बॉडी को, किससे, इन्फेक्शन से, यानी जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उससे। नेक्स्ट, इट इज प्ले ए वाइटल रोल इन एन इंट्रावेस्क्यूलर और ऑस्मेटिक इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन बैलेंस। इट इज ए प्ले वाइटल रोल, यानी है क्या है, मोस्ट यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें, इंट्रावेस्क्यूलर और ऑस्मेटिक इफेक्ट में। ऑस्मेटिक का मतलब है प्रासरण, प्रासरण का मतलब होता है कोई सेल मेम्ब्रेन के अंदर से लिक्विड का आर पार जाना, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करके और क्या करती है, जो ह्यूमन ब्लड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता, उसको मेंटेन करने का काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन से है ह्यूमन बॉडी में, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, ब्लड सीरम इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, यानी ब्लड का जो सीरम क्या है, जो आप बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम में लेते हो वो क्या होता है, ब्लड सीरम। जब क्या है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर से आप क्लोटिंग फैक्टर अलग कर दोगे तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो क्या होगा, ब्लड सीरम। तो इसके अंदर सबसे पहली लाइन में क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा इंक्लूड एंटीजन और एंटीबॉडी। और क्या क्या सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडी, जो क्या है ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, इट इज प्ले ए वाइटल रोल इन एन इंट्रावेस्क्यूलर और ऑस्मेटिक इफेक्ट। ये क्या है कि प्रासरणीय इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या है कि दैट कीप्स, जो रखता है किसको बनाए रखता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन बैलेंस, और जो क्या है इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है यानी उसकी जो नॉर्मल रेंज है उनको बनाए रखता है। और क्या है, ब्लड सीरम इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, और ब्लड का जो सीरम है, जब प्लाज्मा में से आप क्लोटिंग फैक्टर को हटा दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सीरम। नेक्स्ट क्या था, ब्लड कंपोजिशन डायग्राम, जिसमें 55% तो प्लाज्मा है जो येलो कलर में दिखाया गया आपको, और 45% क्या है, सेलुलर कंपोनेंट यानी आरबीसी, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स में आपको दिखाया गया है किस तरीके से प्लाज्मा के अंदर सेलुलर कंपोनेंट और अदर सब्सटेंस क्या है, डिसॉल्व यानी घुले हुए हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन, यानी प्लाज्मा का अकेला कंपोजिशन, प्लाज्मा कितने परसेंट फॉर्म करता है अपनी बॉडी का, 55% ब्लड का, जिसके अंदर मोस्टली क्या है, वाटर है 91%, सॉलिड इसमें 9% दिखाई गई है, वैसे 7-8% या 9% तक होते हैं। सॉलिड यानी अदर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक में वही साल्ट दिखाए गए हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट एटसेट्रा। ऑर्गेनिक के अंदर क्या दिखाया गया है, हार्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड एंड ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट, एग्जाम्पल ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड यानी एटसेट्रा, जिसके अंदर मेजर पोर्शन किसका है, इन सभी में प्रोटीन का। नेक्स्ट, जब भी आप कॉलेज में आओ तो आप सभी के पास ये जो अभी ऑनलाइन क्लासेस की स्टडी चल रही है, इन सभी के नोट आपकी कॉपी में प्रिपेयर किए हुए होने चाहिए, यानी तैयार होने चाहिए, वो आपके क्लास टीचर के द्वारा क्या है, चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन सेलुलर कंपोनेंट फॉर डीएमएलटी एंड डीआरटी स्टूडेंट। आपकी जो अगली क्लास होगी वो किस पे होगी, सेलुलर कंपोनेंट पे, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के ऊपर, उनकी नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो फंक्शन क्या करती है और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है।